हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? तो पढ़ाई अच्छी चल रही होगी आप लोगों की। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष के लिए थी? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना 4 वर्ष के लिए थी? तो पांचवी, फिफ्थ, ठीक है। और ये कब से कब तक थी? 1974 से लेकर 1978 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बैंक पहले इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाया था? तो SBI बैंक को इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहते थे पहले। अब देखिए, 1806 में सबसे पहले बैंक ऑफ कोलकाता आया, ठीक है। तो 1806 में बैंक ऑफ कोलकाता आया, और उसके बाद 1921 में बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे, ठीक है, ये तीनों मिलकर इनका नाम क्या रख दिया गया? इनका नाम इम्पीरियल बैंक रख दिया, ठीक है। और बैंक ऑफ कोलकाता कब बना? 1806 में। बैंक ऑफ मद्रास कब बना? 1843 में। और बैंक ऑफ बॉम्बे कब बना? 1840 में। इन तीनों को मिला के 1921 में इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। उसके बाद इसका नाम चेंज करके SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब रख दिया? 1 जुलाई 1955 को रख दिया, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आए कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब बना, तो क्या टिक होगा? 1921। और SBI कब बना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? तो 1955 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर पी रामा राव समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, रक्षा से संबंधित है, ठीक है। डॉक्टर पी रामा राव समिति रक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? तो ये किसने किया था? दादा भाई नरोजी ने, ठीक है। तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया? दादा भाई नरोजी ने किया। कब किया? 1868 में किया, ठीक है। इन्होंने अपनी पुस्तक पुवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 20 रुपये बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी हटाओ नारा कौन सी योजना में शामिल किया गया? तो ये कौन सी योजना में शामिल किया गया? पांचवी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। तो गरीबी हटाओ जो नारा है, पांचवी पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट हुआ। और ये पांचवी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? 1974 से लेकर 1979 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किसके द्वारा किया जाता है? सेबी के द्वारा, ठीक है, SEBI, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वर्गीकरण की कैरोलस लीनियस प्रणाली है, तो ये कैसी प्रणाली है? द्विपद प्रणाली, ठीक है। और कैरोलस लीनियस को वर्गीकी का या फिर वर्गीकरण विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया? तो इसका आविष्कार किसने किया? ऑप्शन नंबर सी, JC बोस ने किया, ठीक है। अब ये क्या होता है क्रिस्कोग्राफ? ये पौधों की वृद्धि को मेजर करने के लिए एक यंत्र होता है, ठीक है। तो पौधों की वृद्धि को मापने के लिए क्रिस्कोग्राफ का यूज़ किया जाता है। और इसकी खोज, इसका आविष्कार किसने किया? भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस, JC बोस ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री शैवाल से निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मिलता है? तो ये कौन सा तत्व मिलता है? ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन, ठीक है। तो समुद्री शैवाल में आयोडीन प्राप्त होता है हम लोगों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग प्राय मरते हैं। तो देखिए, भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोगों को कौन सी बीमारी होती है? सिरोसिस की बीमारी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। तो देखिए, लिवर सिरोसिस यकृत की सबसे गंभीर बीमारी होती है, और इस रोग में यकृत कोशिकाएं बड़े पैमाने पर नष्ट हो जाती हैं और उनके स्थान पर फाइबर तंतुओं का निर्माण हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्टिंग किससे की जाती है? तो देखिए, वर्मी कंपोस्टिंग करने के लिए किसका यूज करते हैं? कृमि। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। तो वर्मी कंपोस्टिंग क्या है? ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कृमि के द्वारा जैव खाद बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयोडीन परीक्षण किसका पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है?
तो देखिए आयोडीन पर कार्बोहाइड्रेट्स का, ठीक है, तो देखो आयोडीन परीक्षण मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट या फिर स्टार्च हम बोल सकते हैं, ठीक है, का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और देखो वसा का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम, अल्कोहल परीक्षण किया जाता है, ठीक है, वसा का पता लगाने के लिए अल्कोहल परीक्षण किया जाता है, और प्रोटीन का पता लगाने के लिए ब्यूरेट टेस्ट किया जाता है, ठीक है, प्रोटीन का पता लगाने के लिए ब्यूरेट टेस्ट, कोलेस्ट्रॉल का पता लगाने के लिए रक्त परीक्षण किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है, तो इनमें से क्या तने का रूपांतरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी शकरकंद का कंद, ठीक है, जो है वो तने का रूपांतरण नहीं है, तो ये किसका रूपांतरण है, ये जड़ का रूपांतरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है, तो गाजर का रंग जो रेड होता है वो किसकी मौजूदगी के कारण होता है, कैरोटिन, तो ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर, कैरोटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पके हुए टमाटरों का लाल रंग इसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो इनमें से ये किसकी उपस्थिति के कारण होता है, कैरोटीनाइड, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो जो टमाटर है, लाल मिर्च और तरबूज, इनका जो गहरा लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, लाइकोपीन के कारण होता है, ठीक है, लाइकोपीन जो कि क्या है, एक कैरोटीनाइड ही है, ठीक है, तो कैरोटीनाइड अगर होगा तो आंसर कैरोटीनाइड होगा, और अगर लाइकोपीन यहाँ पे दिया होता तो आंसर वो होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, थैंक यू।